हमने उनको बुद्ध दिया, उन्होंने हमें युद्ध दिया। मैं भारत बोल रहा हूं। मेरे विषय में आदि अनादि काल से वेदों में पुराणों में लिखा गया है। मेरा जीवन स्वयं ही एक काल चक्र है। मैंने विशालकाय साम्राज्य देखे हैं, स्वर्ण मंडित रत्न जड़ित सिंहासन देखे हैं, मेरे पराक्रमी सपूतों ने लगवाए हुए विश्वविक्रमी दिग्विजय हुंकार देखे हैं, चहुं ओर अभिमान से लगने वाले मेरे जय जयकार देखे हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा से लेकर, उसी सोने की चिड़िया को लूटने आए खूंखार दरिंदे भी मैंने देखे हैं। शक, हून, कुषाण, अलेक्सेंडर, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, ऐसे तमाम आक्रमण मैंने अपने सीने पर सहे हैं। मेरी रक्षा के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी अर्जुन, कभी विक्रम, कभी राणा, कभी सीवा, कभी गांधी आजाद, कभी मेरे भारत के नौजवान वीर लड़े हैं। और मेरा दुर्भाग्य कि ये संघर्ष आज भी जारी है, कभी सीधी जंग करके, कभी आतंकवाद का सहारा लेकर मुझ पर आज भी घाव किए जाते हैं। और ये पाकिस्तान जैसा पड़ोसी जो किराए की ताकत पर मुझे धौंस दिखाता है, मुझे, और कौन नहीं जानता कि इसके पीछे चीन का हाथ है। चीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। दुनिया के विभिन्न देशों के लिए चीन आज खतरा बन चुका है। अमेरिका, जापान, श्रीलंका, तिब्बत, इन तमाम देशों से चीन के संबंध आज धूमिल होते जा रहे हैं। लेकिन अब चीन ने आक्रमण का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। इसी रणनीति के तहत चीन प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक सुनामी खड़ी कर रहा है जो भारतीय मार्केट को निगलते हुए जा रही है। और मेरा दुर्भाग्य, मेरे ही लोग चंद पैसों के फायदे के लिए ये मेड इन चाइना सामान खरीदते हैं और ये सारा पैसा चीन की तरफ मोड़ देते हैं। और इसी पैसे का इस्तेमाल करके चीन हम पर आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान को ललचाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम पर होने वाले आक्रमणों के लिए चीन या पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार है। आओ हम संकल्प करें और मेड इन चाइना के प्रोडक्ट हम खुद न खरीदे। अपनी देश की रक्षा के लिए जैसे कोई मुगलों से लड़ा, कोई अंग्रेजों से लड़ा, कोई पोर्चुगीजों से लड़ा, आज हमें वो संधि मिली है कि हमारी भारत की सुरक्षा के लिए हम चीन से लड़े। ये लड़ाई बम गोलों से, बंदूकों से और तोपों से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि ये लड़ाई होगी सत्याग्रह के रास्ते से, ये लड़ाई होगी प्रतिबंध के रास्ते से। आओ एक समृद्ध और समर्थ भारत की ओर कदम बढ़ाए, चीनी हटाए, स्वदेशी बढ़ाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय स्वदेशी।